एमपी में भारत बंद को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। तस्वीरें देखिए, तस्वीरों में प्रदर्शनकारियों को भी देखिए। प्रदेश के कई इलाकों में बहुजन समाज पार्टी के लोग सड़कों पर उतर गए। गुना में बीएसपी का झंडा लिए प्रदर्शनकारी जबरदस्ती दुकान बंद कराते दिखे। तो वहीं शिवपुर में भी बीएसपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। इन प्रदर्शनकारियों को संभालने के लिए पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। ऐसी ही तस्वीरें इंदौर में भी देखने को मिली, जहां हाथों में बैनर और बीएसपी का झंडा लिए लोग सड़कों पर बैठ गए। इनको सड़क से हटाने के लिए पुलिस मुस्तैद नजर आई। एमपी में सबसे ज्यादा पुलिस की तैनाती ग्वालियर में की गई है। यहां बीएसपी कार्यकर्ताओं ने अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से होगा। सबसे पहले तो बंद के इस आह्वान में जिन सामाजिक संगठनों ने हमारा साथ दिया, उन सभी महासभाओं को धन्यवाद। खास करके जाट महासभा और गुर्जर महासभा और यादव महासभा का हमको कल रात को फोन आ गया, समर्थन प्राप्त हो चुका है। उनके लेटर भी आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब भी जिस देश में जिन जिन लोगों ने आरक्षण मांगा है, उन्हीं सभी वर्गों का, उन सभी सामाजिक संगठनों ने हमें समर्थन दिया है, उनका धन्यवाद। दूसरा, हमारा बंद पूर्णतः शांतिपूर्ण एवं वैधानिक तरीके से है, जिस वैधानिक तरीके से और बंद किए जाते हैं। हम आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और जो अन्य अराजक संगठन है उनके तर्ज पर चलने वाले नहीं है। हम इस देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं। इस देश के संविधान को मानते हुए हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको बता दें, भारत बंद का असर एमपी के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पुलिस की चिंता ज्यादा है, उनमें ग्वालियर भी है, गुना भी है। इसके अलावा कई इलाके ऐसे हैं जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से लोग दुकान खोल भी रहे हैं, प्रदर्शनकारी अपना प्रदर्शन कर भी रहे हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में पुलिस भारत बंद के चलते फुल अलर्ट मोड पर है। गुना से विकास दीक्षित के साथ ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित, शिवपुर से खेमराज दुबे और इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट एमपी तक।